अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही इजी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको बनाना। तो सबसे पहले हम ब्रेड को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा ही तेल डाला है मैंने, ज़्यादा तेल नहीं डाला है। हल्का हल्का शैलो फ्राई करना है इसको, या तो आप बिना तेल के भी कर सकते हो। मैंने तेल इसलिए डाला था कि थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए ये ब्रेड। तो देखिए थोड़ा सा रेड कलर इसका हो गया है, यानी क्रिस्पी हो गया है, तो मैंने इसको निकाल लिया है। तो मैंने 6 या 8 ब्रेड से बनाया था, तो क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लेना। तो ये देखिए थोड़ा हल्का सा मैंने इसको फ्राई कर लिया था, शैलो फ्राई। उसके बाद ये छोटे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया था। छोटे पीसेस में इसलिए कट किया था ताकि जब हम इसको मसाले में फ्राई करें ये तो अच्छे से मसाला इस पर कोट हो जाए। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साइड में जो घंटी का बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो ब्रेड कट करके हो गया था, उसके बाद उसी कढ़ाई में मैंने तेल डाला है। फिर से 1 चम्मच के करीब तेल डाला था और 1 मीडियम साइज़ की प्याज कट करके ली है मैंने, वो डाली है। प्याज हल्की सी फ्राई हो जाए, ज़्यादा भी फ्राई नहीं करनी हमको। हल्का सा इसका कलर चेंज हो गया। उसके बाद मैंने 1 मीडियम साइज़ का टमाटर कट करके डाला है। टमाटर भी थोड़ा सा हल्का सा पक जाने के बाद मैं बाकी के मसाले डालूंगी। तो मैंने रेड चिल्ली पाउडर डाला है, 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाला था। तो अगर आपको तीखा पसंद है तो ज़्यादा डालना, नहीं तो कम डाल देना। और नमक मैंने बहुत कम डाला था क्योंकि ब्रेड ऑलरेडी नमकीन रहते हैं, ये मसाले के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला है। और हल्दी पाउडर डाला है 1/2 चम्मच। अब ये थोड़ा सा पक जाए, अगर टमाटर नहीं पके तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको पका लेना ताकि अच्छे से पक जाए टमाटर, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद जो ब्रेड हमने कट किए थे वो डाल दिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। पानी नहीं डालना है इसको, तेल में ही ऐसे मिक्स कर लेना अच्छे से, ये अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने इसमें चाट मसाला डाला था। तो ये देखिए थोड़ा सा 1/2 चम्मच से भी कम चाट मसाला डाला है मैंने, इससे टेस्टी बनेगा ये रेसिपी हमारी। और थोड़ा सा हरा धनिया कट करके डाला है, ये देखिए बस डिश रेडी है हमारी। तो आप इसको चाय या कॉफ़ी के साथ सर्व करना, और इवनिंग स्नैक या मॉर्निंग स्नैक्स के तौर पर आप इसको यूज़ बना सकते हो इजीली, या फिर बच्चों के टिफ़िन के लिए भी बहुत ईजी रेसिपी है ये। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेना इसको अच्छे से ताकि अच्छे से क्रिस्पी से हो जाए। तो ये देखिए रेडी हमारी रेसिपी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।